मेन्यू बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए लिस्ट या टपल का यूज़ करके मेन्यू तो बन जाएगा और एक फॉर लूप लगा के मेन्यू डिस्प्ले भी हो जाएगा लेकिन यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन कॉल करना है इसके लिए अगर आप मल्टीपल इफ कंडीशंस या मैच केस यूज़ करने का सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए और फर्स्ट क्लास फंक्शंस की जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फैक्टोरियल ऑफ एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के सिंपल फंक्शंस के फॉर्म में प्रोग्राम के मेन पार्ट में यूज़र से एक इंटीजर नंबर का इनपुट लेते हैं अब मेन्यू क्रिएट करने के लिए एक टपल बनाते हैं यहाँ तीन मेन्यू आइटम्स स्पेसिफाई करेंगे पहला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के लिए दूसरा फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एन के लिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा तीसरा मेन्यू आइटम स्क्वायर रूट के लिए इसी मेन्यू के अकॉर्डिंग फंक्शंस कॉल होंगे तो जनरली हम मल्टीपल इफ़ कंडीशंस लगाते हैं या मैच केस का यूज़ करते हैं बट प्रॉब्लम क्या है हमारा कोड भी मल्टीपल लाइंस का बनेगा जिससे हमारा टाइम और स्पेस दोनों वेस्ट होंगे बट क्या हो अगर हम बिना कंडीशंस लगाए यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शंस को कॉल कर पाएँ ज़रा सोचिए अगर आपके पास एक बहुत बड़ा मेन्यू हो जहाँ तीन नहीं तीन सौ मेन्यू आइटम हो तब तो आप मल्टीपल एवस नहीं यूज़ करना चाहेंगे इसी ट्रिक के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन के फर्स्ट क्लास फंक्शंस के फीचर्स को चलिए देखते हैं कैसे पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और हम फंक्शंस को भी नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस की एक लिस्ट या टपल बना लेते हैं मेन्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए फॉलो लूप स्पेसिफाई कर लेंगे और सभी मेन्यू आइटम्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर लेंगे अब यूज़र से उसकी चॉइस इनपुट करा लेते हैं और फाइनली अब आता है ट्रिकी पार्ट यूज़र चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शंस के टपल वेरिएबल के साथ इंडेक्स में चॉइस माइनस वन स्पेसिफाई करेंगे माइनस वन क्योंकि टपल इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है और जस्ट इसके बाद फंक्शन कॉल का सिंटैक्स लगाएंगे एन पैरामीटर के साथ लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं यहाँ नाइन वैल्यू इनपुट कर देते हैं और फैक्टोरियल मैन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिला मतलब हम सही फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो एक लाइक like तो बनता है ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है